Hi, name, Minze? Minze? My name is Eugene. Nice to meet you. Okay, ma? Thank you, Shishini. 客气。Chinese लोग लहसुन को बहुत शौक से खाते हैं। आपको हर टेबल पे ये लहसुन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज संडे है यार, आज मौसम थोड़ा अच्छा ही आएगा। अच्छा का मतलब ये होता है कि जिस दिन आपके पास धूप निकली हो ना, उस दिन यहाँ पे मौसम अच्छा होता है। तो आज मैंने कपड़े धोए हुए हैं क्योंकि आज धूप बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। कुछ मैंने धो के हैंगर पे लगाए हुए हैं और कुछ अभी मैं धो रहा हूँ क्योंकि आज कपड़े धोने का दिन है, तो मैं कपड़े भी धो रहा हूँ। और आज मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। मोस्टली चाइना में यही मशीन यूज़ की जाती है, ऑलमोस्ट सारे यही करते हैं। बिल्कुल ऑटो मशीन होती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे कपड़े पाउडर इसमें लगा, ठीक हो गया, कुछ नहीं करना, बंद करना है इसको। सारी चीज़ें ऑटो हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस बटन को प्रेस करना है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सब कुछ चाइनीज़ में इसकी सेटिंग पहले से रेडी है। ये ऑटो पे लगा हुआ है, मुझे सिर्फ इस बटन को प्ले करना है। अब ये खुद ही स्टार्ट हो जाएगी, देखो हो गई स्टार्ट। ये टाइम आ गया, 43 मिनट्स में सब कुछ रेडी हो जाएगा। भाई कपड़े हो गए हमारे रेडी, अब हमें निकालने हैं। बिल्कुल सूखे हैं, बस थोड़ा हमें रखना पड़ेगा बाहर। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, कल मेरी सैलरी आई है, फर्स्ट सैलरी आई है मेरी, और इन्होंने मुझे रेड पॉकेट दिया है। चाइनीज़ में ये कल्चर है रेड पॉकेट देना। कोई भी इनका त्यौहार होता है, ईद हो गई, न्यू ईयर हो गया, ऐसी चीज़ें हैं, और पार्टी वगैरह हो गई, शादी हो गई, तो ये मोस्टली इस रेड पॉकेट को यूज़ करते हैं। ऐसा ही होता है, इसमें सारे 100 के नोट हैं, तो उन्होंने मुझे रेड पॉकेट दिया है। कल मैंने मना भी किया था बॉस को कि मुझे सैलरी कैश में नहीं दो, मुझे सैलरी चाहिए बैंक अकाउंट में। तो बॉस ने बोला आपको ना अभी और भी टाइम लगेगा अकाउंट में, शायद एक हफ्ता लग जाए, तो आप ऐसा करो अभी ये कैश ले लो, अपने पास रखो, जो सामान लेना है आप सामान वगैरह ले लो, उसके बाद आप कर देना डिपॉज़िट इन बैंक। डिपॉज़िट कैश बैंक में होता है एटीएम के थ्रू। मुझे बोला इसने बहुत ईजी है, कोई बड़ा मसला नहीं है, जैसे ही आपका कार्ड बन जाए तो आप कैश लेके एटीएम में डाल देना, आपका डिपॉज़िट हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर एंड में मुझे बोल रहा है कि कैश को ना संभाल के रखना। मैंने कहा वाह भाई, एक तो तू कैश दे रहा है और फिर बोल रहा है संभाल के रखना। ठीक है, तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ मॉल की तरफ। ऐसे ही संडे का दिन है, मैंने बाइक निकाली है और जाएंगे पहले मार्केट। मार्केट के बाद अगर टाइम मिल गया और दिल ने बोल दिया कि भाई हमें घूमना है, तो निकल जाएंगे किसी और जगह पे। मौसम बहुत अच्छा है, वेदर प्यारा है, सनी वेदर है, धूप है, चिट्टी धूप है, गर्म धूप है, तो आज दिल कर रहा है घूमने का। हम भी निकले हुए हैं रोशान सिटी में। कहाँ से जाए, इधर से जाते हैं, ठीक है, तो हम इधर से ही जाते हैं। भाई देख लें, फाइनली रिजल्ट देख लें, मैं डन करने जा रहा हूँ। सही है, कैसी लग रही है? 199 की है, वो भी सेल में मैंने उठाई है। बाकी ये वाली है, मैंने आपको बताई कितनी महंगी, 650 की है ये वाली। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पड़ी है ना, ये बहुत महंगी है यार इनकी। अगर ये है तो पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें यहाँ पर महंगी हैं इस स्टोर की। और चीज़ें भी बनी हुई है ना बेहतरीन, अगर आप पहनोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। क्योंकि सबसे जो मुझे पसंद आई ना, ये वाली पसंद आई, मगर इसमें वो वाली साइज़ नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए थी।
बेहतरीन मुझे समझ में आई है ये वाली, ये इतनी गर्म है, इतनी हल्की है कि अगर मैं इसको ऐसे करूँगा ना तो ये एक मुट्ठी में आ जाएगी, और इतनी गर्म है कि आप सोचे। और ये आई है और दूसरी ये आई है। योर नेम? हाय हाय। नेम मींस है मींस माय नेम इज यूजिन। नाइस टू मीट यू। भाई हमारी आज की शॉपिंग हो गई, नई नई सैलरी आई है तो हमने भी दवा की शॉपिंग करी है। शूज़ भी हो गया हमारा, ये वाला शूज़ मैंने सेलेक्ट करा है, कैसा है? लास्ट टाइम भी मैंने लिया था, वो भी रेड ही था, रेड कलर का था। और वो जो जैकेट थी वो भी हमने उठा ली, जैकेट भी ना जो मैंने आपको दिखाई थी लंबी वाली जैकेट। बस ये आपको चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ें मैंने, ये वाली जैकेट, ये दोनों चीज़ें मैंने सेल में उठाई हैं। इनकी एक्चुअल प्राइस जो है ना वो बहुत बड़ी महंगी है, और पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे बहुत महंगी पड़ी है, सस्ती नहीं है। ओके माँ, थैंक यू। शिशनी वो खची है। ओहो, थैंक यू, फिर से सही है। हमारी शॉपिंग आज की हो गई और सैलरी भी आ गई, शॉपिंग भी हो गई। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डिनर करने, शाम हो गई है। वो जो मुस्लिम जहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट देखा था वहाँ पे जाऊँगा और डिनर करूँगा, और उसके बाद जाऊँगा घर। और बैटरी भी लो हो रही है बार बार, मेरा गोप्रो भी बंद हो रहा है, इसलिए अगर बंद हो गई तो फिर इस व्लॉग को यहीं पे ही बाय बाय करेंगे, टाटा करेंगे। अगर नहीं बंद हुई तो मैं वहाँ पे डिनर पे हम बात करेंगे जाके। सही है यार, मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। मेरी अभी भी बैटरी चल रही है गोप्रो की, मैं सोच रहा था बंद हो जाएगी मेरी कैमरा। और अभी मैंने यहाँ पे फ्राइड नूडल्स मैंने ऑर्डर करे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था लांचो लामिया और तू दो मीफान कुछ था, मतलब राइस आलू वगैरह वो था। और इनका ये वाला सिस्टम देख लें भाई, बहुत इसने गर्म करके रखा हुआ है पूरे इस जगह को। जब भी चाइना में मुस्लिम रेस्टोरेंट पे आओ ना, उसकी वाइब भी कुछ ऐसी अलग होती है, ऐसी मतलब खुशबूदार मज़ेदार। और दिल करता है कि बंदा यार जितने भी यहाँ पे मेन्यू लगे हुए ना सब ट्राई करे, वो सब खा ले। बेसिकली मैं हफ्ते में एक बार यहाँ पे आता हूँ, लास्ट टाइम आया था, फिर बीच में मैं एक हफ्ता नहीं गया था, फिर अब दोबारा आया हूँ। चिमनी को देख लें भाई, इसने पूरे इस जितना भी बड़ा रूम है ना सबको गर्म करके रखा हुआ है, और मैं इसके साथ ही बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले जब यहाँ पे आप आते हो ना इस रेस्टोरेंट में, तो इनकी बड़ी खासियत होती है ये वाला जो सूप होता है ना, ये पेश करते हैं, वो इतनी टेस्ट होती है, और क्या इसमें खुशबू होती है ज़बरदस्त। भाई मैंने ये ऑर्डर करे हैं, आप देख लें कि यम्मी किस्म के नूडल्स आ रहे हैं मेरे पास, और फ्राइड हैं विद मीट के। भाई एक हफ्ते के बाद मुझे गोश्त मिलता है खाने में। ओए हो गए, यम्मी। चाइनीज मज़े से खाता हूँ, टाइम लगाता हूँ, मज़े से खाता हूँ, गरम गरम देख रहे। हम हो गए फुल, और मैंने उठाई है एक कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक है बेसिकली, ये बहुत अच्छी होती है। मैं पहले भी पीता था और अभी भी मैं ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ। अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कभी किसी और टाइम किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।